जय हिंद दोस्तों, देखते हैं आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जल। जल के बारे में समझते हैं, इसमें बारे में कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, जल जो होता है एक यौगिक होता है। यौगिक किसे कहते हैं? जिसका फॉर्मूला बन गया है ना, वो यौगिक होता है। जिसका फॉर्मूला नहीं होता वो यौगिक नहीं होता है। जैसे आपसे कहेगा कोई वायु, वायु का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो वो फॉर्मूला नहीं है तो यौगिक नहीं होता। एक नॉर्मल सही पहचानने का तरीका है। अब ये H2O जो होता है, इसमें कार्बन नहीं होता है, अतः H2O जो होता है कार्बन नहीं होता है। जल एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसकी संरचना जो होती है कोणीय होती है। कोणीय संरचना होती है, कितने डिग्री का एंगल होता है? 104 डिग्री 25 मिनट। आप नॉर्मली 104 डिग्री याद रखिएगा। यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। इसका कोई अपना रंग नहीं होता है। इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है। ये 18 इसका अणुभार होता है। जब यह अणुभार की तुलना भारी जल से करेंगे, इसका अणुभार जो हो जाता है वो 20 हो जाता है। जल के प्रकार की बात करिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। जल के प्रकार, जल 4 प्रकार के होते हैं। आशुद्ध जल जिसे हम डिस्टिल वाटर कहते हैं, मृदु जल जिसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, कठोर जल जिसको हार्ड वाटर कहेंगे, और भारी जल जिसको हम लोग हैवी वाटर कहते हैं। कठोर जल 2 प्रकार का होता है, अस्थायी और अस्थायी कठोरता। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग आशुद्ध जल और मृदु जल को पढ़ लेंगे, पार्ट 2 हम कठोर जल पढ़ेंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक होता है, और पार्ट 3 को हम लोग भारी जल को पार्ट 3 में पढ़ेंगे। एक्चुअली अभी कोरोना को लेकर सब लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम क्लास में नहीं पहुंच पाए, घर पे बना रहे हैं वीडियो खुद से। इसलिए एक ही में अगर लंबा वीडियो हो जाता है तो उसकी क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए कई पार्ट में करना पड़ रहा है। आप लोग भी इसको समझ सकते हैं, तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पार्ट ए में हम लोग 2 टाइप के जल को देख लेते हैं। एक हो जाएगा आशुद्ध जल, दूसरा हो जाएगा मृदु जल, और फिर कठोर जल और भारी जल को नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। देखिए, आशुद्ध जल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लोग डिस्टिल्ड वाटर। ये वर्षा ये सबसे शुद्धतम जल है। सबसे शुद्धतम क्यों है? क्योंकि इसमें केवल H2O पाया जाता है, दूसरा कुछ पाया ही नहीं जाता है। केमिस्ट्री के हिसाब से दूसरा कोई भी चीज मिला दीजिएगा तो चीज अशुद्ध हो जाता है। तो जल में जहां कुछ मिला है वो अशुद्ध हो जाएगा। कहेंगे जल का शुद्धतम रूप कौन होता है? तो आशुद्ध जल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O। इसमें दूसरा कुछ अच्छा नहीं मिला नहीं होता है, अतः ये 0 ppm होता है। मतलब इसमें 0 ppm का मतलब होता है 0 पार्टिकल पर मिलियन। 1 मिलियन कण में इसमें दूसरा कोई भी पार्टिकल नहीं मिला रहता है। ये कैसे बनाया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। आसवन विधि क्या चीज होती है? तो देखिए, जैसे यहाँ हम ले लिए एक अशुद्ध जल, इस बीकर इस फ्रैक्शन में ले लिए एक अशुद्ध जल, इसको बर्नर से गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो इसमें मान लीजिए अशुद्धि है, मान लीजिए इसमें धूल कण है, नमक है, कुछ इसमें मिला दिए, तो इसमें क्या आ गई है? सब अशुद्धियां आ गई सब। अब ये अशुद्धियों को हम इसमें मिला दिए तो अशुद्ध जल हो गया। यहाँ पे जब हम इसको बर्नर से गर्म करेंगे तो ये वाष्प बनेगा। आपको पता है कि नमक हो गया, अशुद्ध चीजें हो गया, वो उड़ नहीं पाते हैं सब, और ये वाष्प बन के जल उड़ जाएगा। और जब ये वाष्प बन के जाएगा इधर से, तो इस नली में हमने कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर उसको कहते हैं जो ठंडा कर देता है। आपका ये ठंडा कैसे करेगा? सबसे देसी कंडेंसर क्या होता है? कपड़ा लगा के उस पर पानी मार दीजिए। जैसे बिहार टॉनिक एक होता है ना, वो सत्तू घोल के दिया जाता है, उसमें घड़ा में देखिएगा ना, लाल कपड़ा बांध के पानी मार देता है, वो कंडेंसर का काम करता है। तो यहाँ पे कपड़ा बांध दीजिए, बोरा बांध दीजिए, उसको पानी से मार दीजिए, तो ये जो वाष्प आ रहा है उसको ये ठंडा कर देगा। अब वही वाष्प इधर टपक के इस वाले बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा, तो ये जो जल मिलेगा ये शुद्धतम जल मिलेगा। इसी जल को हम क्या कहते हैं? आशुद्ध जल। और ये जल कैसा हो जाएगा? एकदम शुद्धतम। तो ये आशुद्ध जल है, ये क्या हो गया? शुद्धतम। तो आशुद्ध जल प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? आसवन विधि। ये टोटल विधि क्या कहलाएगी? आसवन विधि, डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये आसवन विधि द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है, आशुद्ध जल को। अब आशुद्ध जल के प्रयोग क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला इसके प्रयोग के समझते हैं, बैटरी में डाला जाता है। आप देखते होंगे बैटरी में पानी डालता है, बैटरी का पानी। कुछ लोग उस बैटरी के पानी से ऐसे डरते हैं जैसे तेजाब है, ऐसा नहीं होता है। वो बैटरी के पानी H2SO4 नहीं है, H2SO4 तो बैटरी में रहता है, उसमें जो पानी डाला जाता है वो आशुद्ध जल होता है, एकदम शुद्ध जल होता है। उसको पी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मरिएगा नहीं। लेकिन कई लोग डरते हैं कि नहीं, ये तेजाब, वो तेजाब नहीं होता, वो बैटरी का पानी होता है। कैसा पानी? तो आशुद्ध जल होता है वो। और क्या करता है? घाव धोने के काम में, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया और कहीं चोट लग गया, कट हो गया, तो उसको डॉक्टर भी आशुद्ध जल से ही धो देता है, क्योंकि वो जल एकदम शुद्ध रहता है, उसमें कोई और चीज नहीं मिली रहती। इंजेक्शन देने में भी इसका सबसे बड़ा यूज होता है। आप देखे होंगे टाइफाइड वगैरह अगर आपको होगा तो डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है, तो इंजेक्शन के लिए एक छोटा डिब्बा आता है जिसमें दवा रहती है, तो वो क्या करता है? वो दवा पाउडर के रूप में रहता है, तो उसको पतला करने के लिए डॉक्टर एक छोटा सा पानी का बोतल रहता होगा उसमें, देखिएगा, तो उसमें से इंजेक्शन को निकाल लेता है अपने हिसाब से, बाकी जो पानी बच जाता है उसको फेंक देता है। फेंक दिया,
अब लोग को लगता है कि जा दवा फेंक दिया, देहात के महिला का ये माई कूल दो या तो फेंक दे लो, लगे तो कौन चीज डॉक्टर, तो ऐसा नहीं है, वो तो पानी फेंक दिया अपने काम पर का 1 ml, जैसे डॉक्टर लिखा 1 ml इंजेक्शन, तो 2 ml के पानी में से 1 ml ले लिया, बाकी फेंक दिया, और सूखे वाले उसमें उस पानी को डाल के हिला देता है, बढ़िया से वो जो पाउडर था दवा का मिल गया और वही इंजेक्शन में लेके लगा देता है। अब आप कहिएगा कि उसको साधारण जल का प्रयोग क्यों नहीं करता है, तो नॉर्मल जल में अन्य चीजें भी मिली रहती हैं H2O के अलावा, उसमें कैल्शियम भी होता है, सोडियम भी होता है। अब आप बताइए, कोई किसी भी दवा का एक फिक्स कंपोजिशन होता है, कौन कौन से तत्व मिलाए गए, आप घर का पानी मिला दीजिएगा तो उसमें तो क्लोरीन भी पाया जाता है शुद्धता करने के लिए, अब वो जल उस दवा के साथ जाकर रिएक्शन कर देगा, इसलिए दवा वगैरह में भी हम लोग किस जल का प्रयोग करते हैं, आसुत जल का छोटा सा डिब्बा होगा मिलता है दवा में, आप देखेंगे उसको, तो वो हो गया आसुत जल, उसका काम। अब आसुत जल को हम पी सकते हैं या नहीं पी सकते, पी सकते हैं लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होगा। उससे क्यों नहीं फायदा होगा, क्योंकि जब आप आसुत जल पिएंगे तो केवल H2O पिएंगे, तो आसुत जल पिए भी सकते हैं नहीं भी पी सकते हैं, हालांकि पिएंगे तो केवल प्यास बुझेगी, आपको फायदा नहीं करेगा। हम लोग कौन से जल को पीते हैं, तो हम लोग सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल को पीते हैं। अब ये मृदु जल क्या होता है समझिए इसको, जब हम आसुत जल यानी H2O में अपने लायक उपयोगी चीज को मिला देते हैं, जैसे आसुत जल केवल H2O बोलेंगे तो आसुत जल हो गया, उसमें हम अपने लायक कुछ उपयोगी चीज मिला दे, जैसे सोडियम मिला दे, कैल्शियम मिला दे, मैग्नीशियम मिला दे थोड़ा थोड़ा कर में, तो जल का टेस्ट अच्छा लगने लगता है। आप देखिएगा बिस्लेरी का पानी पीजिएगा या फिर जो सॉफ्ट वाटर, ये हो गया आपका मृदु जल, हैंडपंप से निकलने वाला जल भी होता है, मृदु जल भी होता है, तो ये पीने योग्य पानी होता है। इससे फायदा क्या है कि इसमें H2O तो है ही, इसके अलावा हमारे लायक उपयोगी चीज भी है, तो एक तीर से दो निशाना हो जाता है। अगर आप आसुत जल पिएंगे तो केवल प्यास बुझेगी, लेकिन अगर आप मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर पिएंगे तो आपकी प्यास भी बुझेगी और अच्छी चीजें भी आपके शरीर में मिलेंगी। तो आसुत जल पी सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा रहता है पीना कौन सा, मृदु जल। आसुत जल 0 ppm होता है जबकि मृदु जल 150 ppm होता है, ये साबुन के साथ बहुत अच्छे से झाग देता है मृदु जल। तो खैर मृदु जल हटाते हैं, अभी आसुत जल के बाद में करते हैं। सबसे बड़ा लड़कों को कंफ्यूजन क्या होता है, सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल है कि आसुत जल है, तो समझिए लोग वर्षा का जल भी एक प्रकार का आसुत जल ही है। कैसे, तो जो हम आसवन यहाँ किए हैं यही आसवन तो प्रकृति समुद्र में कर रही होती है, समुद्र पे सूर्य की किरणें जाती हैं, जो हम इस पानी को बर्नर से गर्म कर रहे थे समुद्री जल को सूर्य गर्म करता है, ये वाष्प बनकर ऊपर जाता है, समुद्री जल भी वाष्प बन के ऊपर जाता है, उसका भी ऊंचाई पर जाने पर संघनन होता है वो भी बरस जाता है, जैसे ये नीचे उतरा तो आसुत जल मिला, तो वर्षा का जल भी तो आसुत जल ही होता है, वो कोई अलग जल थोड़ी है। लेकिन आप बताइए जब वर्षा होती है तो क्या हमारा वायुमंडल साफ है, नहीं है, इस वायुमंडल साफ नहीं है, इस वायुमंडल में धूल कण गाड़ियों का धुआं, कोई सिगरेट पिया है, कोई आग लगाया हुआ है, तो ये सारे धूल कण उस वर्षा के जल में मिल जाते हैं, तो वर्षा जल भी तो आसुत जल ही है, लेकिन वो गंदगी से मिल जाता है जिस कारण वर्षा जल 250 ppm हो जाता है और यह वर्षा जल शुद्ध नहीं रह पाता है। तो जब वर्षा होती है तो शुद्ध रहती है, लेकिन वायुमंडल में पहुंचने के बाद वो अशुद्ध रह जाता है, इसलिए देहात में कहा जाता है कि पहले बरसात में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि 6-7 महीने बरसात का मौसम 1 साल बाद आता है, तो 1 साल तक वायुमंडल में जितना धूल कण है वो तो तैर रहा है, अब पहले बरसात में आप नहाएंगे तो बारिश तो होगा ही, अब पूरा धूल कण सल्फर डाइऑक्साइड जितनी भी हानिकारक पदार्थ है सब आपके पोत देगा वर्षा के रूप में आपके शरीर पे, हो जाएगा बड़का बड़का खजूर, इसलिए पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए, बुजुर्ग लोग बोलते हैं। अब एक लड़की गाना गा रही थी, हीरोइन ने बोलो भीग जाने दे पहली बरसात में, ससुरी भीग तू खजवट हो जाएगा, फिर बोलेगी हमको हो गया, तो पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। एक दो बार वर्षा हो जाती है तो वायुमंडल के धूल कण नीचे आ जाते हैं, उसके बाद वर्षा अच्छी होती है। अब आगे देखिए, गांव में बहुत लोग बर्फ का जो पत्थर गिरता है ओला पत्थर, उसको इकट्ठा करके बोतल में रख देते हैं, क्यों, क्योंकि वो पत्थर जो होता है ना वो तेजी से नीचे आ जाता है, उसमें गंदगी घुल नहीं पाई रहती है, उसको लोग बर्तन में रख लेते हैं, उसी के पानी से घाव धुलते थे। तो आसुत जल और वर्षा जल में अंतर समझ में, इसी प्रोसेस को बड़ा कर दीजिएगा तो वही वर्षा कहलाता है आसवन विधि से। तो ये आसुत जल हो गया और मृदु जल हो गया। आसुत जल में हमारे लायक उपयोगी चीजों को मिला देना क्या कहलाता है, मृदु जल। हैंडपंप से या ये सब जो चीजें होती हैं वो जो हम लोग पीते हैं पानी, वो मृदु जल होता है। आसुत जल पीने योग्य
नुकसान नहीं करेगा, लेकिन पीने के लिए हमें सॉफ्ट वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए। ये सॉफ्ट वाटर साबुन के साथ बहुत अच्छे से झाग देता है। ये चीज हम लोग समझेंगे कठोर जल में और साबुन नल के चक्कर में। अभी ये जल का पार्ट वन हो गया आपको, मृदु जल आप समझ गए, आसुत जल में उपयोगी चीज को मिला दीजिएगा तो हो जाता है आपका कौन सा चीज, आसुत जल बन गया आपका मृदु जल। तो ये जल का पार्ट वन हो गया। अब पार्ट बी में हम आपको बताते हैं कठोर जल क्या होता है, यानी सेकेंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में आपको बताएंगे कि भारी जल क्या होता है, फिर तीनों चारों जल की तुलना कर लेते हैं। तो वर्षा का जल सबसे शुद्धतम जल नहीं होता है। आप वर्षा भी देखिएगा तो सात प्रकार की वर्षा होगी। कैसे कैसे, कौन सी वर्षा, तो एक अम्लीय वर्षा हो जाती है, एक रक्त वर्षा होती है, एक लाल वर्षा होती है, एक कृत्रिम वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, मानसूनी या पर्वतीय वर्षा होती है। तो ये ज्योग्राफी में ये सब वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये पार्ट वन है। अब पार्ट बी में हम देखते हैं इसके आगे का कठोर जल। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।